बिहार में राहुल गांधी का कैंपेन दरअसल फ्लॉप साबित हुआ है। 52 में से 42 सीटों पर महागठबंधन इस वक्त पीछे चल रहा है। वो 52 सीटें जहां राहुल ने की थी रैलियां, सिर्फ 10 सीट पर महागठबंधन आगे चल रहा है। ये है राहुल इंपैक्ट। और निश्चित तौर पर जो ब्रांड मोदी है, उसने 15 साल की नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी को कम करने में बड़ी विजय हासिल की है, सफलता हासिल की है, यह कहना होगा। और रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जेडीयू दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और प्रेम शुक्ला साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। प्रेम शुक्ला साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अभी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां जहां रैलियां की उनका इंपैक्ट दिखाया, और साथ ही साथ राहुल गांधी ने जहां पर रैलियां की थी उसका भी इंपैक्ट अपने दर्शकों के सामने रखा। क्या ये जो तस्वीर अभी हमें नजर आ रही है, साफ तौर पर कहा जा सकता है क्या कि 15 साल की नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी पर ब्रांड मोदी बहुत भारी पड़ा? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है उसका लाभ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को होता है। स्वाभाविक तौर पर बिहार में भी उनके करिश्माई नेतृत्व का, उनके पारस्परिक स्पर्श का निश्चित तौर पर लाभ हुआ है। ये साफ साफ आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। और ये जो है हर चुनाव में 2014 के बाद जितने भी चुनाव देश में कहां जहीं जहां कहीं भी हुए, हर जगह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सामान्य जनों को विश्वास है, भारत के आम आदमी को जो विश्वास है, वही विश्वास बिहार के लोगों ने भी प्रकट किया है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।